क्या आपके भी होंठ जल्दी फट जाते हैं, कब्ज भी रहती है, ब्लॉटिंग या फिर कहूँ तो पूरा पूरा डाइजेशन खराब रहता है, या फिर आपकी आंखों की रोशनी कम है? अगर दोस्तों आप सभी को भी ये दिक्कतें हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पपीते खाने के फायदे बताऊंगा। अगर नहीं खाते तो इसे खाना स्टार्ट कर दीजिए और साथ में अपने भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल गया, तो दोस्तों मेरा नाम है विहान शर्मा और आप सभी का फिर से वेलकम अपने भाई के चैनल पे। सो दोस्तों वेट किसकी कर रहे हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, पपीता एक ऐसा फ्रूट है जो कहीं भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों अगर आपकी भी होंठ जल्दी फट जाते हैं, इनमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है। लेकिन अगर फिर भी आपके होंठ फटते हैं तो दोस्तों आपको करना ये है, आपको पपीते के एक या दो पीस लेने हैं, उसके अंदर शहद मिलाकर इसका पेस्ट बना ले और इसे अपने होंठ पर लगा ले आधे घंटे के लिए, और उसके बाद अपने होंठों को पानी के साथ धो ले। अगर दोस्तों आप इसे एक हफ्ता भी यूज करते हो तो दोस्तों इसका रिजल्ट जो आएगा वो आप कमेंट में खुद ब खुद बताना कि इसके रिजल्ट्स क्या मिले। आप लोग हैरान हो जाओगे जब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपके भी होंठ फटे हुए हैं तो इसे ट्राई करना और कमेंट में बताना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 100 ग्राम पपीते के अंदर 40 कैलोरीज होती हैं, इसमें आपको लगभग 9.5 ग्राम कार्ब्स मिल जाते हैं, प्रोटीन इसमें 0.60 ग्राम और फाइबर इसमें 1.8 ग्राम मिल जाते हैं। दोस्तों मेनली ये कार्ब्स और फाइबर्स का अच्छा सोर्स है। बाकी इसमें आपको विटामिन सी, ए, डी, ई और के आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और अगर बात करें इसके मिनरल्स की तो इसके अंदर मैग्नीशियम, कॉपर, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीज जैसे मिनरल्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पपीते के अंदर 88% वाटर होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये जो पपीता है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है जो आपकी स्किन को जवान और साफ बनाए रखता है। मतलब दोस्तों कहूँ, अगर दोस्तों आप पपीते का यूज़ डेली बेसिस पे करते हो तो सब लोग आपसे एक ही बात कहेंगे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो। चलिए इसके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं ताकि आपको पपीते से प्यार हो जाए। अगर दोस्तों आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है कुछ इस तरह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तो दोस्तों अगर आप ऐसे में पपीता खाना स्टार्ट कर देते हो तो आप खुद ब खुद अपनी माँ से एक बात कहोगे, मुझे सब दिखाई दे रहा है। बिकॉज दोस्तों पपीते के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपकी आंखों के लिए बेस्ट है। सो दोस्तों वेट किसकी कर रहे हो, आज ही मार्केट में जाओ और पपीता लेके आओ ताकि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सके। दोस्तों अगर आप डेली पपीता खाते हो तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देती है और जिसके कारण आप ना तो जल्दी बीमार होते हो और आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हो। बिकॉज दोस्तों पपीते के अंदर विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर दोस्तों आपको और भी बेनिफिट जानने हैं विटामिन सी के, इसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में जाकर इसे देख सकते हो। दोस्तों अगर आपका डाइजेशन खराब रहता है, आपको कब्ज, गैस और ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें रहती हैं तो आपको पपीते का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों पपीते के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और डाइट्री फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसके कारण आपका जो डाइजेशन है वो धीरे धीरे बेटर होने लगता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहें और आप सोचें कि मैं तो पपीता खा रहा हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा डाइजेशन बेटर होता रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपका डाइजेशन ठीक होने की जगह बिगड़ जाएगा। अगर दोस्तों आप अपना डाइजेशन ठीक करना चाहते हो तो पपीते के साथ साथ एक हेल्दी डाइट भी ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप भी मोटापे से परेशान हो और अपना वेट कम करना चाहते हो तो दोस्तों पपीता खाना शुरू कर दीजिए। बिकॉज दोस्तों पपीते के अंदर हाई क्वालिटी फाइबर्स होते हैं, जिसे होता ये है जब आप फाइबर को कंज्यूम करते हो तो जो फाइबर है वो लेट डाइजेस्ट होता है, जिसके कारण आपको भूख कम लगती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपना वेट कम करना है तो साथ में आपको जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना होगा, तभी जाके आपका वेट कम हो सकता है, और साथ में वर्कआउट भी ज़रूरी है। अगर आप ये सब फॉलो करते हो तभी तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। अगर आप एक फीमेल हो तो जिनको पीरियड्स के टाइम दर्द होता है तो उन्हें पपीता ज़रूर खाना चाहिए। इसे यूज़ करने से जो पीरियड साइकिल होती है वो टाइम पर आती है और पीरियड्स के टाइम होने वाले दर्द में बड़ा आराम मिलता है। अगर आप पपीते का यूज डेली बेसिस पे करते हो तो आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल होने लगता है। बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और फाइबर भी रिच मात्रा में होता है, और जिसके चलते आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल होने लगता है। तो दोस्तों आज से इसे खाना स्टार्ट कर दो, चाहे कोई बीमारी हो या ना हो,
इसे कंज्यूम जरूर करें। सो दोस्तों, ये थी वो छोटी सी वीडियो, आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के टाइम नहीं है किसी के पास टाइम, ये तो शायरी हो गई है ना। अबे साले, दोस्तों आज के टाइम हर किसी का जो शेड्यूल है वो बिजी रहता है, लेकिन दोस्तों अगर कोई अपनी हेल्थ के लिए आधा या एक घंटा भी ना निकाल सके तो ऐसे लाइफस्टाइल का कोई फायदा नहीं है। सो दोस्तों, अगर आपको भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो सबसे पहले तो अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट में ये बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मोटिवेट रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।